ये किसकी आवाज थी और कौन कौन रहता है आपके घर में? एक पागल औरत है, अपने मरे हुए बेटे को याद कर करके चिल्लाती है, रोती है, सिसकती है, बिलखती है। हाँ, लेकिन है कौन? आप हमें चलना चाहिए, आलियान चले। सुभाष भाई, इजाजत है हमें? महानूर को दोबारा लेकर जरूर आना। चलो मानो। आपके लिए नसीब वाली हैं तुम्हारी माँ। शुगर करो, उनके पैरों के नीचे से जमीन नहीं खींच ली मैंने, होश ठिकाने आ जाते तुम्हारी माँ के। मैं तो सिर्फ इमाद की वजह से खामोश रहा। अब देखता हूँ ये इमाद घर कैसे पार लगाता है। क्या मतलब? बिल्डर से मिलकर आ रहा हूँ सारी मालूमात लेकर। जिस इलाके में तुम्हारी माँ का घर है उस इलाके में जमीन कितने की है? 5 लाख रुपए स्क्वायर फिट। और तुम्हारी मां का घर कितने गज पर है? 1500 गज। 1500 गज। अब 1500 गज के हिसाब से कितना बनता है? जरा हिसाब तो लगाओ ना। रुको, मैं बताता हूं तुम्हें। इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओ तेरी, 1 अरब 20 करोड़। जानती भी हो 1 अरब 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? अरे अरे, इतनी भोली हो तुम। अभी होश के नाखून लो और मेरी बात पर यकीन करो। इमाद उस घर को गिरा के शॉपिंग प्लाजा बनाना चाहता है और मुमानी जान के सामने अच्छा दामाद बनने के लिए दानिश का रिश्ता वानिया से करा रहा है, ताकि जो 25% है वो भी उसके अकाउंट में चला जाए। हाँ, और तुम्हारी बड़ी बहन, वो सिर्फ अपने शौहर के बारे में सोचती। तुम बेशक मेरे बारे में मत सोचो, लेकिन अपने आने वाली औलाद के बारे में तो सोचो, जो इस दुनिया में आने से पहले ही महरूमियां देखेगा। मैं बता रहा हूं तुम्हें, इमाद हमें साइडलाइन करना चाहता है। जितना जल्दी हो सके मेरी बात पर यकीन कर लो, वरना हाथ मलती रह जाओगी, समझी तुम? कहां जा रहे फरहान? चाय तो पी ले फरहान।